बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के एडमिशन स्प्रिंग 2025 के रिलेटेड है। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन स्प्रिंग 2025 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो है वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन स्प्रिंग 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 नवंबर 2024 है। एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 30 नवंबर 2024 को कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू जो है बेसिकली 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक कंडक्ट किया जाएंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है 27 दिसंबर 2024 को अपलोड की जाएगी और क्लासेस जो है बेसिकली 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट होंगी। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम और पोस्ट आरएन बीएस नर्सिंग 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो लाजमी होने चाहिए और मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जबकि पोस्ट आर एन बी एस नर्सिंग 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग जो है आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा इन मिडवाइफरी जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। वैलिड पीएनसी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपके पास होना चाहिए और मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो अप्लाई फॉर एडमिशन का, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने एडमिशन पोर्टल पे अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। सबसे पहले अपने प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, बीएस नर्सिंग प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं या पोस्ट आर एन बीएस नर्सिंग प्रोग्राम में अप्लाई करना है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद फुल नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने टाइप करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करेंगे, पासवर्ड को अपने कन्फर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद गेट रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन है नेक्स्ट का, नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल जो आपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करेंगे, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, इसके बाद जेंडर जो आपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद ब्लड ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद रिलीजन का नेम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो आपने वो टाइप करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो आपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद सीएनएसी नंबर जो आपने वो इंटर करना है, इसके बाद कैटेगरी जो आपने वो सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद फादर का सीएनआईसी नंबर अपने इंटर करना है, इसके बाद फादर का मोबाइल फोन नंबर इंटर करेंगे, इसके बाद फादर का ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है, इसके बाद प्रोफेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसी तरह अपने मदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मदर का सीएनआईसी नंबर इंटर करेंगे, इसके बाद मदर का मोबाइल फोन नंबर जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद प्रोफेशन अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने गार्डियन डिटेल जो है अपनी वो इंटर करेंगे, इन केस आपके फादर ही आपके गार्डियन है तो अपने सेम एज फादर डिटेल जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। पेरेंट डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। सबसे पहले एड्रेस टाइप करेंगे, इसके बाद सिटी का नेम आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद नीचे अपने करंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है दोनों सेम है तो अपने सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे अपने फादर एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है, इन केस आपका फादर एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है दोनों सेम है तो अपने सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री जो अपनी वो सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद बोर्ड का नेम अपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद स्कूल का नेम जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर अपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं, इसके बाद बोर्ड का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद नीचे इसी तरह अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने डिग्री जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद बोर्ड का नेम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट जो अपने वो सिलेक्ट करना है और कॉलेज का नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद पासिंग ईयर अपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं, इसके बाद बोर्ड का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने वो इंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है, इसके बाद सीएनएससी की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे, इसके बाद सीएनएससी की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है, इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है।
डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद अपने स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है. फॉर एग्जांपल कौन सा पर्सन आपकी डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद अपने स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है. फॉर एग्जांपल कौन सा पर्सन आपके स्टडी के एक्सपेंसेस जो है वो बियर करेगा. अपने उस रिलेशनशिप को सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स सिलेक्ट करेंगे. इसके बाद मंथली इनकम जो आपने वो सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है. नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं तो अपने अचीवमेंट्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे, अदरवाइज अपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है. नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड की पिक्चर अपलोड करेंगे. इसके बाद FSC के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है. इसके बाद अपने अदर डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है. फॉर एग्जांपल अगर आप पहले कभी किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से एक्सपेल हो चुके हैं तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे. इसके बाद नीचे अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है. इनकेस ऑफ इमरजेंसी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जिस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करेगी आपने उस पर्सन का नेम जो है सबसे पहले वो टाइप करना है. इसके बाद रिलेशनशिप आपने टाइप करना है. इसके बाद मोबाइल फोन नंबर आपने इंटर करना है. इसके बाद एड्रेस जो आपने वो टाइप करना है. इसके बाद अगर आपकी कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो आपने वो इंटर करेंगे. इसके बाद अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने डिसेबिलिटी टाइप जो है वो इधर इंटर करनी है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की पिक्चर अपलोड करेंगे, अदरवाइज आपने इनको सिलेक्ट नहीं करना. इसके बाद नीचे अपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हुई, आपने ये सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे. इसके बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है डाउनलोड फी चलान का. डाउनलोड फी चलान के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 3000 रुपीज का, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं. एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद पेड चलान की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है. सबसे पहले हमें बैंक नेम जो है वो इंटर करना है. इसके बाद ब्रांच कोड इंटर करेंगे. इसके बाद बैंक का एड्रेस जो आपने वो इंटर करना है और पेड चलान की पिक्चर जो है इधर अपलोड करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है. नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करेंगे. सबमिट करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो DCS करना है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग को, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल.